जैसा कि आज चैप्टर नंबर 8 के जो हमने एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट कर लिए, डिस्कस कर लिया, तो उस पे जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो भी मैं चाहता हूँ कि आज के लेक्चर के साथ ही शामिल हो जाए। सबसे पहले मेरे पास था व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन ग्रुप्स, उसको जो है वो हमने डिस्कस करना था कि केमिकल रिएक्टिविटी वो ग्रुप्स में जो है उसका क्या रोल है। सो इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल जनरली रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम ऊपर से नीचे की जानब आए, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की जानब आए, तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है केमिकल जो रिएक्टिविटी है। ठीक है, इन ग्रुप वन की अगर हम बात करें तो रुबिडियम एंड सीजियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू लिथियम। सो इन ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग। अगर पीरियडिक टेबल के ग्रुप की बात करें, सो जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज करती है ऊपर से नीचे की जानब जब हम आते हैं ग्रुप में, ड्यू टू इंक्रीजिंग, ड्यू टू यानी कि इस वजह से दो रीजंस जो है उसकी बताई गई है। नंबर वन है हमारे पास एटॉमिक साइज एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, उसका एटॉमिक साइज बढ़ता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ऊपर से नीचे की जाने, और जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का वो ज़्यादा होता है। सो सेकेंड रीजन इसकी क्या थी, सेकेंड रीजन इसकी ये थी कि आयनाइजेशन एनर्जी डीक्रीजेज डाउन द ग्रुप। हमने आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक भी पढ़ा हुआ है और उसका ट्रेंड भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें यानी कि डाउन द ग्रुप जिसको कहते हैं ट्रेंड को, तो वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सो इम्पोर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स जो है यहाँ पर कुछ हमने हमें दी गई हैं, तो देखते हैं। नंबर वन, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, तमाम मेटल जो हैं वो सॉलिड कंसिडर किए जाते हैं सिवाय मरकरी के, एक्सेप्ट मरकरी। सो नंबर टू, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सर अगर हम बात करें नंबर थ्री की, तो दे पोजेस मेटेलिक क्लस्टर एंड कैन बी पॉलिश, वो मेटेलिक क्लस्टर रखते हैं और उनको पॉलिश किया जा सकता है। नंबर फोर, दे आर मेलिएबल, मेलिएबल और डक्टाइल के बारे में वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं डिटेल से, लेकिन यहाँ पर उसका जो ब्रीफ इंट्रो है वो ये कि जो मेलिएबल है उसको कहते हैं कैन बी हैम्बर्ड इन टू शीट्स, जिनको शीट्स में परोया जा सकता है। ठीक है, और डक्टाइल क्या है जी, जिनको वायर की शक्ल में यानी कि स्ट्रेच किया जा सकता है। एंड कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स एंड गिव ऑफ अ टून व्हेन हिट, ये एक टून पेश यानी कि प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जब इनको हिट किया जाता है। नंबर फाइव, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये यानी कि तवानाई के हरारत के जो हैं वो अच्छे कंडक्टर कंसिडर किए जाते हैं मेटल्स जो हैं। नंबर सिक्स, दे हैव हाई डेंसिटी, ये डेंसिटी जो है ये हाई रखते हैं मेटल्स। नंबर सेवन, दे आर हार्ड, ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, लेकिन अगर हम सोडियम और पोटाशियम के अलावा जो है मेटल्स उनकी बात करें, सोडियम और पोटाशियम जो है ये हार्ड नहीं कंसिडर किए जाते। ठीक है, सो नंबर सेवन इज दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम के अलावा जो है ये हार्ड, बाकी सारे हार्ड कंसिडर किए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, वाई नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड्स विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली, नाइट्रोजन जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ डायरेक्टली जो है वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न जो है वो उसकी रीज़न हमने बता रहे हैं, बिकॉज मैग्नीशियम आयंस एंड मैग्नीशियम के आयंस और नाइट्रोजन के आयंस जो हैं वो तकरीबन उनका साइज होता है वो सेम होता है, आयंस हैव ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज, एग्जैक्ट की बात नहीं हो रही। ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो उनका साइज जो है वो सेम होता है, एंड हैंस दे कैन फॉर्म स्टेबल क्रिस्टल्स, और इस वजह से वो जो है वो एक यानी कि स्टेबल क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल्स वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, वाई द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एटम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी,
तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की, वो फर्स्ट से ग्रेटर या आप कह सकते हो उससे ज़्यादा क्यों है, उसकी रीज़न है इट इज़ बिकॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज लॉस फ्रॉम न्यूट्रल आइटम टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव मैग्नीशियम आयनाइजेशन। जो पहला इलेक्ट्रॉन जो लूज होता है वो न्यूट्रल आइटम जो है वो करता है लूज टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव का मतलब सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल, ठीक है। मैग्नीशियम आयनाइजेशन, मैग्नीशियम आइन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। एरोहेड में क्या लिखा हमारे पास, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब एम जी प्लस टू, वन प्लस वन टू प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मैग्नीशियम में, सो मैग्नीशियम एटम, क्योंकि पहला जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो मैग्नीशियम एटम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम, इसके साथ आइन मैंशन करना आप लोगों ने, ठीक है। सो सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आइन दैन न्यूट्रल एटम, सो इसका मतलब है कि ये बात मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पॉजिटिव आइन से बजाय एक न्यूट्रल एटम के, ठीक है। न्यूट्रल एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है कंपेरेटिवली पॉजिटिव आइन की निस्बत दैन न्यूट्रल एटम, बिकॉज मैग्नीशियम आइन हैव ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, मैग्नीशियम आइन जो है वो एक ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखता है एंड स्मॉलर साइज दैन मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम एटम से जो साइज है उसका वो स्मॉलर है एंड द न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो उनको स्ट्रॉन्गली जो है वो अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ वाई द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम एटम इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसके एग्जाम्पल आप कॉमन जो है वो हमारी डेली लाइफ से यूँ दे सकते हैं कि अगर आप एक चीज़ कोई खो देते हैं, ठीक है, तो वो दूसरी दफ़ा आप वो यानी कि आसानी से नहीं लूज़ करेंगे, आसानी से नहीं खोंगे, आपकी जो अट्रैक्शन है वो उधर ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता होगा कि एक दफ़ा आप जो है वो एक चीज़ आप लूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात भी है यहाँ पर, जस्ट ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए, बाकी आपने टेक्निकल टर्म्स में ही इसका आंसर देना। तो चैप्टर्स में भी ये बात डिस्कस हो चुकी है जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्रुप टू ए मेटल, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप टू ए मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो ग्रुप टू ए मेटल्स को आपको पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जा सकता है, उसका आंसर हम ऐसे देंगे, ग्रुप टू मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैंने आपको बताया एक ही बात है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड बनाने के लिए। कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज का लेसन जो है वो आपका इतना ही है, सो आई होप कि अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने, थैंक यू सो मच।